देखिए, मदन दिलावर जी का विरोध पूर्व से ही चल रहा है। मदन दिलावर जी ने जो आदिवासी समाज के खिलाफ जो बयान दिया था उस पे वो माफी नहीं मांग रहे हैं, और जब तक माफी नहीं मांगेंगे हमारा विरोध जारी रहेगा। आज सदन के अंदर महिला अपराधों से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी माननीय सदस्य इंदिरा मीणा जी के द्वारा लगाया गया था, और क्वेश्चन की इतनी गंभीरता होने के बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय और सरकार जवाब देने से बचते रहे। सीधा सिंपल क्वेश्चन था कि डिंपल मीणा के मामले में सीबीआई जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे, और लगातार जो अपराध बढ़ा है उस पे आप लोग क्या एक्शन ले रहे हैं। मुझे कहना पड़ा सदन के अंदर कि जो नहीं सहेगा राजस्थान का दावा करने वाली और महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाली सरकार, आज हालत यह है कि भरतपुर जहां खुद मुख्यमंत्री जी आते हैं वो पूरे राजस्थान में सेकंड नंबर पे है अपराध के, गृहमंत्री खुद वहीं से हैं, ये हालत है। माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए, और जितने भी उन्होंने सरकार की तरफ से डायरेक्शन लगाए हुए थे वो सारी डायरेक्शन या तो हमारी गवर्नमेंट में पिछली गहलोत सरकार में थी या उससे पहले वसुंधरा जी के समय में वो डायरेक्शन जारी की हुई थी। तो आप लोग 7 महीने से क्या कर रहे हैं? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, 7 महीने में आपने एक भी डायरेक्शन जो दी हो वो विधानसभा के अंदर उपलब्ध नहीं थी। मैं आंकड़ों की बात करना चाहूं तो पिछले 6 महीने के अंदर ही अपराधों के अंदर जो बेहताशा वृद्धि हुई है, अप्रैल 2024 में महिला अत्याचार के 2861 मुकदमे दर्ज हुए हैं अप्रैल के अंदर, और जो मई के अंदर अगले ही महीने बढ़के 4088 हो गए। ये हालत इनकी है, और ये बढ़ोतरी लगभग 43% है। इसी प्रकार से 7 महीने में अगर 8,500 से अधिक महिला उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं लगातार हर महीने, तो सरकार इसका क्या जवाब देना चाहेगी, ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 20,767 जो मुकदमे 6 महीने में इनके दर्ज हुए हैं, ये लोग आज ये जवाब नहीं दे पाए इन मुकदमों के अंदर कितने इन्होंने चालान पेश कर दिए, कितनी तलक दलित एट्रोसिटीज के अंदर हुई है, और जो दलित महिलाएं थी उनमें कितने परिवारों को इन लोगों ने राहत दी, मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। ये हालत इनकी है, अध्यक्ष जी इनको बचाते हैं, सरकार के मंत्रियों के पास जवाब नहीं है। इसी प्रकार से मैं एक दूसरा जो बहुत ही गंभीर मामला है, जो हमारे जनजाति क्षेत्रीय मंत्री हैं उनके इलाके से जुड़ा हुआ मामला है, जहां छोटे बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है, कोख में बच्चों की खरीद फरोख्त हो रही है, उस क्वेश्चन से भी सरकार बचती नजर आई। जब से मामला ध्यान में आया है उसके बाद सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन इसके अंदर नहीं लिया गया। मानव अधिकार आयोग ने ही इसके अंदर प्रसंज्ञान लिया है, और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अब तक मुख्यमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का कोई बयान, कोई दौरा, कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग राजस्थान के आम आवाम की जो परेशानियां हैं, जो दुख है, जो पीड़ा है, जो संकट झेल रहे हैं, उस पे बोलना नहीं चाहते हैं। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि आज बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बीकानेर के अंदर बिजली नहीं आने का
मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप तो हमारे समय में हमारी सरकार पे लगाए कि इनकी सरकार के समय के जो लगे हुए अधिकारी हैं उनकी वजह से लाइट नहीं आ रही। लेकिन जब उनने बात कही उसके बाद सदन के एक एक विधायक ने इसे अपनी क्षेत्र की भी समस्या बताई। खुद अध्यक्ष जी ने अजमेर में लाइट की हालत खराब होने की बात कही तो क्या पूरे राजस्थान में हमारे रिश्तेदार लगे हुए हैं जो बिजली नहीं दे रहे हैं? ये बात मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं बिजली के सारे आंकड़े ऑनलाइन रहते हैं, किस जीएसएस पे कितनी बिजली गई है वो सारा रिकॉर्ड इन लोगों के पास है। मैं मीडिया से कहना चाहूंगा इनसे वो आंकड़े मंत्री महोदय से इस सरकार से लें और उसको उजागर करें कि राजस्थान में आज के समय में कितनी बिजली ये जनता को दे पा रहे हैं, किन हालातों के अंदर एक गरीब व्यक्ति, एक छोटा बच्चा, गर्भवती महिला, बुजुर्ग किस प्रकार से इस भयंकर गर्मी में गांव के अंदर अपना समय